always a good thing when films do well, and it's a better thing when your friends' films do well. And honestly, Excel is like family. I've done you know, a couple of projects with them, and it always feels really good and special. These are all friends, and when their work gets you know, liked by the audience, it's always a good feeling. And I'm very excited that there is a lot of people. Also, it's a really funny film, and it's a very entertaining film. I saw it. I hadn't seen the first part, and I still went to see the sequel. But I could still understand what was happening. It was still enjoyable, you know. And the performances are really nice. So, yeah, it's lovely. Pankaj Tripathi, yaar, wo kaise actor hai wo. It has been unbelievable. Comedy films. All the comedy films have been extremely well. So, do you see more comedy films being made in the future? You know, honestly, I think India doesn't make good comedy films. I think our comic, I mean, it's not the comedy at least I like to watch. It's very slapstick, and mostly there are sex comedies, which is not really enjoyable, at least for me. Although they do really well for some reason. So I think we need to delve more into humor, and also, you know, hamare jitne languages hai, jo vernaculars hai, sab mein na ek bahut humor, ek ingrained humor hai. Jaise main Bangla bolti hoon, to usme ek bahut Punjabi bol lo, Haryana bol lo, Haryanvi. So all these languages, I don't think we actually tap into the humor of the language. You know, it's still very surface level. So I feel that it's good that the comedy films are doing well, but I think we can do better in terms of writing, for sure. Congratulations, very beautiful and peaceful and healthy, happy life ahead. Yeah, मुझे हिंदी मीडियम में बहुत मजा आया था. इरफान आई थॉट वॉज रियली गुड. दीपक दोबरियाल, यू नो देयर, यू नो ऑल द एक्टर्स वर रियली गुड, एंड अगेन द राइटिंग वॉज रियली गुड, विच इज एंड वॉज रियली फनी. आई कैन रिमेंबर द लास्ट कॉमिक फिल्म आई एक्चुअली रियली, या आई थिंक हिंदी मीडियम आई क्वाइट एंजॉय. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके यार, यस, विक्ट्री. हाँ यार, आ ही जाता है यार, जब पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है. आपको वो भी मिलेगा, आपको रॉयल्टी भी मिलेगी. यार काश बॉलीवुड में होता होता ऐसा, तो सेटल हो चुका होता. होता नहीं यार. मजा आ रहा है सब में? यार मज़ा तो बहुत आ रहा है, मेरी पॉकेट में नहीं है, बट हमारे प्रोड्यूसर जी हैं बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, एंड जितना एक्सपेक्ट किया था उससे डबल ट्रिपल आ गया है. तो वेरी हैप्पी, वी आर वेरी सैटिस्फाइड, एंड वी आर सो ग्लैड दैट यू नो लोगों को, ऑडियंस को फिल्म बहुत अच्छी लग रही है. और कल हम गेटी गैलेक्सी गए थे, वहाँ हमें एक्चुअल रिएक्शन मिला है. यू नो वहाँ पे लोग कई बार मुंह पे बोल देते हैं कि मज़ा नहीं आया, बट वहाँ पे पीपल वर क्रेजी, दे वर गोइंग मैड. बहुत अच्छा लगा. यार उम्मीद मैं भी लगा के बैठा हूँ, और हम जुगाड़ भी कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद पे नहीं, जुगाड़ पे दुनिया कायम है. तो जुगाड़ कर रहे हैं कि हम तीसरा पार्ट भी लेके आएँ, इसलिए हम अपने प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर हैं, हमारे राइटर, सबको इंसिस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ बनाओ, और ऑडियंस को और मज़ा आए थर्ड पार्ट में. तो लेट्स सी क्या होता है. यह बहुत अच्छा मिला है, सबको ही, यू नो एक टीम वर्क है, सबको ही, सबका इम्पोर्टेंट रोल था उसके अंदर, और बहुत अच्छा मिला है मेरे स्पेशली. मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि तेरी एक्टिंग बहुत मैच्योरिटी आ गई है, तेरा रोने वाला सीन बहुत अच्छा था, यू नो तेरे टाइमिंग बहुत अच्छी है, बाकी चूचा तो है ही अपना ग्रेट, वो तो खींच ही गया सारी फिल्म. और आई होप आगे भी ऐसा चलता रहे, सबको मज़ा आए फिल्म देख के. हाँ बिल्कुल, हो गई, कंफर्म हो गई है. सो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ दोनों को, अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली, एंड दे लुक ब्यूटीफुल टुगेदर, एंड गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस, एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड. और आई होप दोनों शादी के बाद भी छक्के मारते रहें. थैंक यू सो मच.
थैंक यू सो मच यार, कम समय में ज़्यादा प्यार मिल गया मेरे भाई. नहीं अच्छा है, बट वी फील वेरी हैप्पी यार. आई थिंक जिस तरह से जो फिल्म है उसको इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है, एंड पीपल ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लाइकिंग द फिल्म. वो जो कैरेक्टर्स के साथ उनकी एक अटैचमेंट थी वो उन्होंने इस फिल्म में दिखाई है, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन. जैसे हमेशा से होता है कि फर्स्ट फिल्म की एक्सपेक्टेशन होती है जब सेकंड सीक्वल आता है, सो पीपल आर सेइंग गुड अबाउट इट. दे आर काइंड ऑफ रिवर्टिंग अस ऑन द सोशल मीडिया कि उनको अच्छी लग रही है और पहली से ज़्यादा बेटर लग रही है उनको ये वाली फिल्म. सो इट फील रियली हैप्पी दैट यू नो दैट काइंड ऑफ लव इज़ बीइंग शेयर्ड एंड इट्स बीइंग. मेरी फैमिली के बहुत अच्छे रिएक्शन है. मैं मदर, माय सिस्टर, एवरीवन, ऑल माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो सारे ग्रुप्स में गए थे फिल्म देखने के लिए, एंड दे रियली लाइक द फिल्म. एंड उनको पिक्चर बहुत अच्छी लगी, लेकिन थिएटर में जब लोग बहुत हंस रहे थे और तालियां बज रही थी, दैट गेव देम अ लॉट ऑफ मोर हैप्पीनेस टू सी देयर child or to see their friend or to see you know their family member getting so much of love and the all over the film the entire team getting so much of love and so much of appreciation. So bahut acha lagta hai jab aisa kuch hota hai. I think to be very honest, I think Fukre jo hai wo charo Fukre aur Bholi aur Pandit ji, I think puri ek team unit hi hai. तो फिल्म को पसंद किया गया है. ऑब्वियसली कई बारी कई चीज़ें होती हैं, कई डायलॉग्स होते हैं, कई पंचेज होते हैं, ऑथर बैक लिखे होते हैं, वो उन तरीके से लिखे होते हैं, बट आई थिंक अगर हम सारे फुकरे हैं तो फुकरे हैं. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आई थिंक इट्स ऑल द टीम एफर्ट्स एंड एवरीवन इज़ रियली गुड इन द फिल्म एंड एवरीवन इज़ गेटिंग दैट काइंड ऑफ लव. एंड फ्रॉम पंडित जी टू होली टू द बॉयज़ टू प्रिया टू विशाखा, आई थिंक एवरीवन इज़ रियली गुड इन द फिल्म एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू अमरिकदीप सिंह लामा जो हमारे डायरेक्टर हैं. ये देखो सक्सेस सिटी रिचा मारती है सिटी यार. हम तो दो सिटी वाले अभी आए नहीं है, मुझे इतनी सी आती है. यस बट वी आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी पहली वाली और इस वाली की सक्सेस के बाद ये साबित हो गया कि रिलीज डेट्स डोंट रियली मैटर, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि टाइगर जिंदा है कि भगवान आ रहे हो यार, पता नहीं क्या हुई क्यों आ रहे हो. आइए हैं. तो आपको लगता है कि टाइगर जिंदा है है और हमारे भी टाइगर है, टाइगर बस बस ये बता दिया कि टाइगर है. आगे क्या फ्यूचर है? आई थिंक कि अभी ये जो मेरा दीद है जो कहते हैं कि अभी आने वाले टाइम में भी लोग और इस फिल्म को और ज़्यादा प्यार देंगे. हाँ. और जिन्होंने एक बारी देखी है वो दोबारा जाके देखेंगे और उतना ही हंसेंगे और बहुत अच्छा होगा यार. और फुकरे मेरे को ये दिखते हैं कि हम सारे फुकरे के सारे इकट्ठे रह रहे हैं और अभी इसके बाद ही ऊपर जाके हमारे जो डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब हैं उनको जाके प्यार से बोलते हैं और उनको फोर्स करेंगे कि और बनाएं हम सबके साथ मिलके और इस पूरी टीम के साथ दोबारा रिपीट करें, क्योंकि हमको भी बहुत मज़ा आता है काम करते वक्त और फिल्म भी फायदा मिला है क्योंकि पिछले हफ्ते भी जो फिल्में थी अच्छी नहीं बनी, किन्हीं कारणों से नहीं चली वो, उसका भी फायदा क्योंकि दर्शक को चाहिए मनोरंजन. ऐसे में एक ऐसी फिल्म आई है जिसने मनोरंजन दिया. ये सही बात है कि इस साल की मतलब एक बहुत यूनिक कॉमेडी है, एक बहुत यूनिक फिल्म है, लोग वेट कर रहे हैं मनोरंजन. एक एंड ऑफ ईयर बड़े अच्छी तरीके से एंड किया है, तो यस यू राइट, हम लोग को क्लियर वीक मिल गया. मतलब ये एंड हंसते हंसते होगा और हंसते हंसते शुरू होगा क्योंकि जनवरी तक लगी रहेगी. 2018 की शुरुआत भी हंसते हंसते हम करवाएंगे, जनवरी तक चलेगी. सर
ज़्यादा क्रिटिक्स की अगर बात करें तो हमेशा ये कहा जाता है कि कॉमेडी इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर, लेकिन कुछ क्रिटिक्स हैं जो अभी भी लॉजिक ढूंढते हैं कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो क्रिटिक्स को क्या कहना चाहेंगे जो फुकरे रिटर्न्स को इन्जॉय करने की बजाय उसमें लॉजिक ढूंढ रहे हैं और गलतियाँ निकाल रहे हैं? अपने को ढूंढिए आप बोल सकते हो आप क्रिटिक्स के फेवरेट रहे हो पूरा साल। नहीं, क्रिटिक्स क्रिटिक्स के लिए दो वर्ड ले लीजिए। जो ऐसी फिल्मों में लॉजिक ढूंढते हैं और ये कहते हैं ये जो हो रहा है वो गलत है, ऐसा रियल लाइफ में हो नहीं सकता। इलॉजिकल। नहीं, उनका काम है यार, उनका काम है लॉजिक ढूंढना, हमारा काम है मनोरंजन करना, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। भाई आप लोगों ने देखी सामने दो बार भाई हंसे थे ना फुल पावर। को ला रहे एसी का कंप्लेन नहीं करेगा ना आज? हाँ बेचा नहीं दे दिया। बोलिए बाहुबली वॉज ऑल्सो मेड बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल मेक बाहुबली बिकॉज आई थिंक हर स्टोरी जैसे यू नो आई थिंक यू नीड टू रिलेट टू इट एंड आइडेंटिफाई एंड दैट इज द बेसिस ऑफ व्हाट वी शुड ऑल डू। तो आई थिंक ये जो जॉनर था अभी एक कॉमेडी है, अगली फिल्म थ्री स्टोरीज है जो कम्प्लीटली अलग है, एक छोटी फिल्म है जो फेब में रिलीज होगी, फिर गोल्ड है, फिर गली बॉय है, सो आई थिंक ऑल आर डिफरेंट जॉनर्स, वी डोंट हैव एनी ऑफ दीज कॉमेडी, सो आई थिंक पीपल शुड फॉलो व्हाट दे बिलीव इन और जो स्टोरी उनको कहना है, द काइंड ऑफ स्टोरीज दे वॉन्ट टू टेल, दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ, आई थिंक दैट्स वॉट दे शुड कंटिन्यू, नॉट डू इट बिकॉज दिस इज सक्सेसफुल, बिकॉज इफ यू ट्राई टू डू समथिंग और एम्यूलेट और कॉपी समथिंग विच इज़ नॉट इनहेरेंट और जो आपके अंदर से कहानी नहीं है तो आई डोंट थिंक यू विल सक्सीड इन इट, तो यू शुड ओनली डू इफ इट्स कमिंग फ्रॉम विद इन। थैंक यू। साल में जो थोड़ा बहुत ऐसा था कि इतना मुनाफा नहीं हो पाया इंडस्ट्री को, आपकी फिल्म ने उसमें और मतलब एक प्रॉफिट दिया है इंडस्ट्री को? जी मैं खुशी हुई है कि इसमें यू नो हमेशा जब आप फिल्में बनाते हैं कि यू वॉन्ट टू होप कि किसी को भी पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो एग्जीबिटर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियन, सबको एक फिक्स्ड फी मिलता है, तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस दैट एवरीबडी इज़ मेकिंग मनी, एग्जीबिटर्स आर मेकिंग, द एंटायर वैल्यू चेन जो है, चाहे म्यूजिक है बिकॉज म्यूजिक इज़ मेकिंग मनी, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू सी एट द एंड ऑफ द ईयर होपफुली दिस इज़ देयर, फिर देयर इज़ अ नाइस फिल्म कमिंग कॉल्ड टाइगर, सो जिंदा है, तो आई थिंक इट्स गुड टाइम्स, यू नो वील एंड द ईयर विथ अ बैंग एंड विच इज़ वॉट वी शुड डू। जी तो आई थिंक शाहरुख ने एक इंकरेजमेंट दिया था कि आप फुकरे टर्न बनाइए बिकॉज उन्हें बहुत पसंद थी, ही अंडरस्टैंड्स द दिल्ली लिंगो, ही इज़ फ्रॉम देयर, तो उन्होंने आई डोंट थिंक ही सीन इट, मैंने उन्हें कहा था देखने को, बट आई थिंक ही वॉज ओनली ट्राइंग टू से दैट मेक डॉन ऑल्सो विच इज़ वॉट वी आर डूइंग, वी आर वर्किंग एंड वी विल सून ऑब्वियसली अनाउंस दैट ऑल्सो। नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, अंदर मेरे से अंदर और कहाँ जाएंगे आप, हॉर्सेस माउथ क्या होते हैं, तो फिर आपका सक्सेस ऑफ फुकरे एंड फुकरे रिटर्न्स हैज इट प्रूवन दैट एज़ फार
far as the content is good, release dates don't really matter. Because a lot of people were saying, don't come before Tiger or after Padma Rathi, but the film has actually done extremely well. So if the content is good, release dates don't really matter. I agree with you. You've answered your question very well yourself, that it is content which is king. Is nothing beyond content. So agar content stick karti hai and you again relate to it, it makes you laugh, it makes you cry, it makes you feel happiness, the joy. I think that kind of content always stays. Cast तो वही कहेगी ना, लेकिन director और writer अंदर है, आप उनसे पूछिए. अभी पिछले time तो उन्होंने एक अच्छी कहानी बना दी. I think can he tell the another story? It's up to the writers and director. I'll not force him. Because एक benchmark बन चुका है film Fukre Returns के साथ. What he does next will have to better this. So it's up to him, the writers. Organically if something comes, we'll definitely. Do we want to do a make it a franchise film? Yes, we want to. But it'll all depend on the story Mrig and Vipul bring up. अब आपके लिए इटली से क्वेश्चन आ रहा है, पूछो. हाँ जी बोलिए. इटली का क्वेश्चन पूछो. इटली का क्या क्वेश्चन है भाई? मिस अनुष्का एंड मिस्टर विराट गेट टुगेदर, एनी विशेस फॉर देम? Yes, it becomes Anushka Virat Kohli now. So, all the best. It's an amazing place to be in. I'm married, so I can tell you. It's a beginning of a new journey, a new life. And all the best, lots of love, and to both of you. Thank you. Thank you. Bye-bye.